हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं बेड़मी पूरी, जिसे आप आलू की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी और सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। बेड़मी पूरी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 3 कप आटा। यहाँ हमने बेड़मी पूरी बनाने के लिए थोड़ा मोटा वाला आटा लिया है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है मोटा आटा तो आप नॉर्मली जो घर में आटा यूज़ करते हैं उससे भी बना सकते हैं। तब आप उसमें 2 से 3 टेबल स्पून सूजी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बेड़मी पूरी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टीस्पून, इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हींग पाउडर। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ हमने उड़द की दाल ली है जिसको हमने 2 घंटे के लिए पानी में सोक करके रख दिया था। यहाँ हमने 1/2 कप दाल ली थी। अभी हम ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हमने 2 घंटे के लिए पानी में सोक करा था, उसके बाद हमने इसको ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है, इस तरीके से क्रश कर लिया है। इसका बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा क्रश करके लेना है, इससे जो है बेड़मी पूरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे। इसका जो डो लगाना है हमें बिल्कुल चपाती जैसा लगाना है। तो यहाँ हमने अपना डो लगा के इस तरीके से तैयार कर लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ हम इसमें ले रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। इसको एक बार अच्छे से नीड कर देंगे ऑयल के साथ। इसको अभी हम लगाने के बाद, डो को तैयार करने के बाद 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो अभी इसको हम कवर करके 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ हमने बेड़मी पूरी के आटे को 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया था, अच्छे से सेट हो गया है। तो अभी हम अपनी बेड़मी पूरी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इसमें से हम थोड़ा सा डो ले लेंगे और इसकी स्मॉल साइज के तरीके से बॉल्स बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पूरी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमें ज़्यादा इसका डो लेना है। ये जो पूरी है थोड़ी सी बड़े साइज में बनती है, तो अभी हम इसको बेल के तैयार कर लेंगे पहले। अभी यहाँ इसको हम बेल लेंगे। यहाँ हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है, हमने अपनी हीट को जो एकदम हाई पे किया हुआ है। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पूरी को हमें एकदम हाई हीट पर ही फ्राई करना है। अभी हमारी पूरी अच्छे से फूल गई है, दोनों साइड से हमने इसको सेक लिया है, इस तरीके से हमने अपनी पूरी फ्राई कर ली है। ये बाकी की पूरियां भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमारी बेड़मी पूरी बनके तैयार हो गई है। तो आपको बेड़मी पूरी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो सब भी हमें ज्वाइन कर सकें। तो आज हमारी रेसिपी यहीं पर ख़त्म होती है, कल हम फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।